हेलो एंड अ बिग वेलकम टू द वेलनेस शो. जी हाँ, एक शो जो आपको याद दिलाता है कि हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ फॉर ऑल ऑफ अस इन दिस वर्ल्ड. और ये कि अच्छी सेहत का कोई मोल नहीं, लेकिन अगर आपका अपनी सेहत पे कंट्रोल नहीं तो ये बड़े ख़तरे की बात है. तो और इस ख़तरे को दूर करने के लिए आपको ज़रूरत है नॉलेज की. नॉलेज ये कि भाई कैसे आप हेल्थ को अपनी ठीक रख सकते हैं, कैसे आप फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं. और ये सब इन्फॉर्मेशन और ये सब एडवाइस जो है ये हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको हर वीक देते हैं बिटवीन 9:30 to 11 o'clock एवरी संडे मॉर्निंग. जी हाँ, मेरा नाम है यास्मीन कुरैशी और मेरे साथ हमारी हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हैं. और जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि देखिए, अगर आपको जो है वो जो ऐनक है कहीं रख के आप भूल जाते हैं, या कभी आप जो है ये अपनी घर की चाबी इधर उधर घर में रखते हैं और आप ढूंढते फिरते हैं, या फिर चाय आपने बनाई और फिर चाय को जो है वो आपने जो है वो ठंडी हो गई और आपको याद ही नहीं रहा कि चाय पीनी, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं. फॉरगेटफुलनेस जो है वो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ, जिसको कोई वरी की बात नहीं है. लेकिन अगर आप घर की चाबी बार बार घर के दरवाजे पर लगा के भूल जाते हैं, या किसी दिन ऐसा भी होता है कि घर आना ही भूल जाते हैं और आपको याद नहीं रहता कि घर है किधर आपका, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस थिंग. आई थिंक इट्स ए सीरियस इलनेस और इसका जो है वो नाम है मेमोरी लॉस, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम जो है अपने डॉक्टर्स से बताएं या उसको ट्रीट करें. तो यही बात करने के लिए जो है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट इन हाउस जो हमारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर तारा चन्ना हमारे साथ हैं, आइए उनको वेलकम करते हैं. हेलो एंड वेलकम टू द शो तारा. आप पूरे 3 हफ्ते के बाद आई हैं. जरूर, बहुत लंबा के साथ गैप लगता है. जी जी, हाँ जी, हाउ यू कीपिंग? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच. जी, बात हो रही है मेमोरी लॉस की. जी, मेमोरी लॉस मुझे बताइए कि किस स्टेज पर आप कहते हैं कि ये आम दिन की बात है. फॉरगेटफुलनेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यू नो, आई मीन वी कैन फॉरगेट एवरी नाउ एंड देन, किसी का नाम भूल जाते हैं, लेकिन व्हेन डू यू थिंक इट बिकम्स अ सीरियस इशू? आपने बहुत सही बताया कि जैसे जैसे वैसे भी लाइफ फास्ट हो जाती है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन ये जो हम मेमोरी लॉस या जिसको हम अमनेशिया बोलते हैं, ये 65 उम्र के बाद ये शुरू होती है और धीरे धीरे शुरू होती है. और उसको जो माइल जो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं वो बीमारी की, इसके हम बात नहीं करें, जो आपकी पुरानी यादें होती है वो भूल नहीं जाते हैं, लेकिन जो आप रीसेंट मानो किसी घंटे या फ्यू सेकंड्स की बात ही आप जो भूल जाते हैं और ये बारी बारी होता है, तो उसको बहुत ध्यान देना ज़रूरी है. एंड वी कॉल इट, वी क्लासीफाई इनटू माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और उसको हम बोलते हैं मेमोरी लॉस. अच्छा, ये तो मेमोरी लॉस की बात हुई, लेकिन आप ये जो है, एक तो आप कह रही हैं एमनीजिया उसे कहते हैं ना, तो एक है अल्जाइमर्स भी है, एक डिमेंशिया भी है, यू नो, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इज इट द सेम नेम ऑफ द सेम इलनेस? मेमोरी लॉस जो है ना यास्मीन, ये एक सिम्टम है, एक वर्ड है दिया. अच्छा. गया है, जिसके पीछे काफ़ी कई और ब्रेन बीमारी लगी हुई है. अल्जीमियाज एक है, पार्किंसन ये है, और कई कॉजेज उसके हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम. पर ये डिमेंशिया है वो धीरे धीरे, यानी आपकी याद सकती, लेकिन योर्स यू कैन रिकलेक्ट बैक. लेकिन जिसको मेमोरी लॉस बोलते हैं, तो क्या है कि आप अभी की इन्फॉर्मेशन है, अभी की इवेंट्स क्या हुई, आपने बोला ना मैंने चाबी लगाई भूल गई, तो रिसेंट इवेंट जो भूल जाते हैं, एंड व्हेन दैट की बिकम्स रिपीटेडली, एंड उसके साथ काफ़ी सिम्टम्स और भी है. सो डिपेंडिंग ऑन दी अदर सिम्टम्स वी डायग्नोज कि भाई आपको पार्किंसन है, ब्रेन जो डिजीज है वो है, कि भाई वो खाली अमनेजिया है, कि मानो आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, कि भाई वो एक्सीडेंट जो ट्रोमा के बाद या तो सीवियर शॉक के बाद हुआ, या वेदर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ भी आप तो भूल जाएंगे. हाँ, तो वो उसके तो आपको ओवर, मेरे ख्याल अंडर 50 भी ये शुरू हो सकता है, अगर डिप्रेशन हो आपको, 12-13 बच्चे को भी हो सकता है, या उसके उनके मिडिल एज को हो सकता है. सो वो डिप्रेशन है, एक्सीडेंट हो या कोई डिप्रेशन है, सो डायग्नोसिस बहुत जरूरी, एंजाइटी है उसकी वजह से भी हो सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन. फिर अगर आपको स्ट्रोक आ गया तो उसके बाद भी यू कैन हैव वास्कुलर, मानो आपको हेमरेज हो गया ब्रेन में, तो ब्रेन में हेमरेज हो गया, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो, आपके स्ट्रोक की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन यू कैन हैव व्हाट वी कॉल एज अ क्वाइट क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ अमनेशिया और मेमोरी लॉस. जी, हमारे व्यूअर्स ये पूछेंगे कि आप ये बताइए कि कैसे, कौन कौन से ऐसे जो हैं वो सिम्टम्स जो जिससे ये लगता है कि हाँ हमें ये वरी करनी चाहिए कि हमारे ये लव्ड वंस जो हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है और उसका इलाज होना चाहिए. लेकिन मेरा ख्याल है हम अभी ब्रेक ले लेंगे छोटी सी, और छोटी सी ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी इस इशू के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो तो डॉक्टर तारा चन्ना हाजिर हैं, वो आपके जवाब देंगी. और आपके पास नंबर तो आपके पास आ ही रहा है 0203 6300 6100, एंड वी विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.